Hey guys, welcome back to the channel. This is Ankita and you're watching Stupid Uncle. And आज मेरे साथ है काजल. तो आज वो क्या बनाने वाली काजल? ये जो छोटी बच्ची दिख रही है आज इसका बर्थडे. क्या नाम है बच्ची तेरा? आरी. आरी. तो आज इसका बर्थडे है इसलिए उसकी आते आज केक बना रही है ना रोही. सभी केक बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं एंड अभी काजल आपको बताएगी कि स्टार्ट कैसे करते हैं एंड पूरा एंड तक हम लोग आपको रिजल्ट भी बताएंगे कैसा केक दिख रहा है. सो पूछते हैं काजल. चलो काजल स्टार्ट करें. ये क्या है? पहले हम लोग ने स्पंज बनाया, चॉकलेट स्पंज है ये. तो मैंने इसके लिए पिल्सबरी का बैटर लिया था जो 250 ग्राम्स का है बॉक्स, उसका 170 में आता है. तो वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि उसको कैसे बीट करना है, टेम्परेचर कौन से उस पर रखना है, कितना वाटर उसमें ऐड करना है और ऑयल. सो मैंने वैसे प्रोसीजर करके मैंने एक स्पंज रेडी किया है. सो दिस इज अ स्पंज. और इसको कितने डिग्री पे ओवन में? मैंने इसको 170 पे रखा है फॉर 30 मिनट. बाद में एक शुगर सिरप रेडी किया जिससे अपने को स्पंज सो करना होता है. सो शुगर सिरप जब फर्स्ट टाइम करते तो ऐसा रहता है एक्चुअली. तो उसमें हम लोग को कैसे 1 किलो में 2 लीटर पानी ऐड करना पड़ता है. ठीक है, फिर मैंने उसमें थोड़ा चॉकलेट ऐड किया बिकॉज फ्लेवर के लिए. जैसे कि चॉकलेट केक है तो थोड़ा ऐड चॉकलेट करने के बाद उसको फ्लेवर थोड़ा अच्छा आता है. आइसिंग स्टार्ट करेंगे. सो सबसे पहले अपने को इसका 3 स्लाइस करने का है, राइट? सो आई विल स्टार्ट द आइसिंग. एक्चुअली ये बहुत स्टिकी रहता है स्टार्टिंग का, सो थोड़ा संभाल. सो अभी मैंने वो स्पंज तो आपने देखा रहेगा उसका मैंने 3 स्लाइस किया है. तो अभी सोकिंग करना पड़ता है शुगर सिरप के साथ. ओके, सो इससे थोड़ा सॉफ्टनेस रहता है ज़रा. इसके बाद हम लोग चॉकलेट अप्लाई करेंगे. ओके, ये पैलेट नैप होती है उससे अपने को चॉकलेट स्प्रेड करना. एज यू कैन सी अभी आइसिंग करके हो गया है. सो अभी हम लोग ने इस पर एक कोट किया है तो उसको थोड़ा टाइम हम फ्रीज करेंगे. थोड़ा सेट होने के बाद फिर वापस 1 कोट करना है. ओके ओके, तो अभी हम लोग इसको फ्रीज करने रख दे रहे हैं. आपको A few moments later. तो हम लोग ने अभी सेट करके लाया है तो इस पर अभी हम सेकेंड कोट करेंगे. ओके, फिर इसको वापस हम लोग फ्रीज करने रख देंगे. ओके, तो ये सेकंड लास्ट फिनिश होती है केक की, मतलब पॉलिश जैसे कर कहते हैं. नॉट द पॉलिश, मतलब वही पॉलिशिंग मींस वही ना फिनिशिंग. फिनिशिंग देते हैं. हाँ वही हुआ. क्या यार काजल, सी डेकोरेशन करे केक का. सो इसमें क्या बोलते हैं, इट्स अ चोचो स्टिक. चोचो स्टिक इससे अभी काजल केक के साइड में लगा रही है ताकि अच्छा लुक आए. तो देखते लास्ट में कैसा दिखता है, तब तक काजल को फिनिश करना. सो अभी हमने केक रेडी होने के लिए रख दिया है एंड जब वो फाइनल आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी अच्छे से एकदम सिनेमेटिक शॉट लेके. सो अभी रेडी. आई मुझे जाना है गिफ्ट लेने क्योंकि मैं गिफ्ट लाना भूल गई हूँ. छोटी बच्ची थी उसका बर्थडे है. सो हैव टू गो. तो अभी मैं निकली हूँ साइकिल राइड के लिए. दिस इज माय स्कूटी एंड दिस इज माय साइकिल. बहुत मजा आ रहा है इतने दिनों बाद साइकिलिंग करके. स्पीड ब्रेकर आया तो ब्रेक थक गई. काफी दूर आ गई मैं. बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है. चलो अभी मैं साइकिलिंग करती हूँ, मिल रहे थोड़ी देर बाद. गिफ्ट लेने जाना है वो तो भूल ही गई मैं. चलो ढूंढते गिफ्ट. और अच्छा क्वालिटी का नहीं है, गले में लटकाने वाला है, बाकी भी अपना बैग में डालने वाला वो ड्रेस है. और बच्चों को क्या दे सकते हैं, मतलब 3 साल के बच्चों को? अभी काजल यहाँ पे आई मुझे हेल्प करने के लिए, मुझे तो शी सजेस्टिंग में कि एक बॉटल ले और एक कंपोस्ट बॉक्स ले. अभी हम लोग एक कंपोस्ट बॉक्स एंड एक वाटर बॉटल पीछे रहा पूरा.
ये है मेरे कुछ फिश, सी से हाई टू अ। सो गाइस, कल जैसे कि आपने देखा बर्थडे पार्टी थी, इसलिए मुझे व्लॉग एंड करने मिला नहीं वहाँ पे। सो दैट्स व्हाई आई एम एंडिंग माय व्लॉग टुडे। अगर आपको वो केक अच्छा लगा रहेगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक देना, एटलीस्ट उस केक के लिए। एंड आपको अगर ऑर्डर करना है वैसा केक, आजकल थीम केक बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो यू कैन ऑल्सो प्लेस ऑर्डर। उसका मैं इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, एंड आपको अभी स्क्रीन पे भी उसका इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा होगा, सो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट हर ऑन इंस्टाग्राम। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट फ्रॉम स्कूट विद अंकू। ये दूसरी वाली है। सो आई हैव टोटल 4 फिश। ये जो वाइट वन है वो 2 है, एंड दिस ब्लैक वन आई हैव 2। मैंने उनका कुछ नामकरण किया नहीं है। तो गाइस चलो बाय बाय।